हेलो दोस्तों, यस पैथोलॉजी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज के हम वीडियो में समझने वाले हैं एमसीक्यू, जो कि एमसीक्यू है ब्लड बैंक का एमसीक्यू है, बेसिक एमसीक्यू है, जो प्रो मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए दोस्तों बहुत बेनिफिट्स होगा। और आपने चैनल को सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक देखना। तो स्टार्ट करते हैं ब्लड बैंक का एमसीक्यू, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द फर्स्ट ब्लड डोनेशन वॉज डन बाई, जो सबसे पहला ब्लड डोनेशन किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, पहला रक्त जो डोनेट किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसमें ऑप्शन में है रिचार्ड लोअर, विलियम हार्वे, लैंड एशिनर, रॉबर्ट होक। दोस्तों इसमें राइट आंसर जो हमारा है विलियम हार्वे, जो सबसे पहले फर्स्ट ब्लड डोनेशन जो किसके द्वारा किया गया था, विलियम हार्वे के द्वारा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा है द फर्स्ट सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन वॉज डन बाई, मतलब पहला सफल रक्त डोनेट किसके द्वारा किया गया था, ट्रांसफ्यूजन किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों सबसे पहला प्रथम जो फर्स्ट सक्सेस ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसके द्वारा किया गया था, इसमें ऑप्शन में है रिचार्ड लोअर, विलियम हार्वे, लैंड एशिनर और रॉबर्ट होक। तो इसमें से राइट आंसर जो हमारा है दोस्तों रिचार्ड लोअर है, इनके द्वारा सबसे पहले प्रथम सक्सेज ट्रांसफ्यूजन किया गया था। तुम्हारा क्या हो गया, रिचार्ड लोअर। अगला क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्तों कि व्हाट इज द हिमेटोक्रिट इन रेड ब्लड सेल्स कंसंट्रेशन। अगर रेड ब्लड सेल्स हमारे जो कंसंट्रेशन में अगर हम देखें हिमेटोक्रिट, तो हिमेटोक्रिट कितना परसेंट में होता है, तो इसमें परसेंटेज में वैल्यू दिया गया है। इसमें हम देखेंगे ऑप्शन में है 60 से लेके 70%, 40 से लेके 55%, 80 से लेके 95% और 100%। तो दोस्तों इसमें पूछा क्या है रेड सेल कंसंट्रेशन हिमेटोक्रिट का, तो कितना होगा, राइट आंसर हो गया 80 से लेके 95%। तो राइट आंसर हमारा ये सही है दोस्तों, क्योंकि ये रेड सेल कंसंट्रेट है, इसलिए इसमें क्या होगा जो हिमेटोक्रिट का परसेंटेज होगा ज़्यादा होगा वो। अब अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट टेम्परेचर इज फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर्ड। दोस्तों फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, अगर आपने ब्लड बैंक में कभी गए होंगे, ब्लड बैंक में देखे होंगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर तो देखेंगे मैक्सिमम 20 माइनस 20 या 22 होता है। बट लोगों दोस्तों इसमें से जो राइट आंसर हमारा है -30 है, मोर देन -30 टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि ये जो अकॉर्डिंग टू द नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस जो है उसके अकॉर्डिंग में है -30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा को हम जब स्टोर करते हैं उसका टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड मोर देन होना चाहिए, लेस देन नहीं होना चाहिए। अगर ब्लड बैंक में आपने कभी गया होगा देखेंगे तो वहाँ पे -20 या -22 होता है, तो इसमें -30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखने से क्या होगा, इसमें जो क्लॉटिंग फैक्टर जो है उसे मेंटेन करके रखेगा और जो इनहिबिटर्स होते हैं उसे भी मेंटेन करके रखेगा दोस्तों। इसलिए -30 डिग्री जो होता है वो बेस्ट है टेम्परेचर जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा स्टोर करने के लिए नेशनल और इंटरनेशनल गाइडलाइंस के रिकॉर्डिंग दोस्तों है। तो हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफिशेंसी ऑफ फैक्टर 8। दोस्तों फैक्टर 8 की जब डिफिशेंसी होती है तो कौन सा डिजीज होता है, कौन सा रोग होता है। इसमें ऑप्शन में है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, फ्रॉम कॉन्जेनाइटल इंसफिशियंसी और एंटीकाउलेंट ओवरडोज। तो दोस्तों जो डिफिशेंसी या फैक्टर 8 का होता है वो होता है हीमोफीलिया ए, राइट आंसर हमारा क्या हो गया हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए किसके कारण होता है, डिफिशियंसी फैक्टर के का। इसमें क्या होता है जो ब्लड होता है वो हमारा अगर कट लग जाता है तो रुकता नहीं, वो कंटिन्यू हमारा क्या ब्लीडिंग होता रहता है, थोड़ा सा भी चोट लगेगा तो उसमें क्या होगा ब्लीडिंग हमारा बाहर होने लगे, तो हीमोफीलिया ए होता है फैक्टर 8 के थ्रू। और दोस्तों डिफिशियंसी या फैक्टर 9, अगर फैक्टर 9 की डिफिशियंसी है तो फिर कौन सा डिजीज होगा, इसमें हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया किसकी डिफिशियंसी में हो रहा था फैक्टर 8 के डिफिशियंसी में, तो इसमें राइट आंसर हमारा जो हो गया है हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया बी जो होगा दोस्तों वो फैक्टर 9 की डिफिशियंसी में होगा हीमोफीलिया बी। हीमोफीलिया ए किसके डिफिशियंसी हो रहा था फैक्टर 8 की डिफिशियंसी में, फैक्टर 9 की डिफिशियंसी में हीमोफीलिया बी होगा। और अगला क्वेश्चन में यह है कि डिफिशियंसी या फैक्टर 10, अगर फैक्टर 10 की डिफिशियंसी हो गई है दोस्तों तो क्या होगा, तो इसमें हमारा क्या होगा दोस्तों फ्रॉम कॉन्जेनाइटल इंसफिशियंसी। क्या हमारा दोस्तों डिफिशियंसी जो हमारा
फैक्टर जब 10 होता है, देखो हीमोफीलिया ये तुम्हारा हो गया उसके थ्रू 8 के, ये 9 हो गया, और फ्रॉम कॉन्जेनाइटल इंसफिशेंसी जो हमारा जन्म वो होता है दोस्तों, क्या कहते हैं उसे, कॉन्जेनाइटल कमी में जो जन्मजात हमारे कमी होती है तो फैक्टर 10 की डिफिशेंसी होती है, तब हमारे क्या कॉन्जेनाइटल इंसफिशेंसी होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन में है डिफिशेंसी या फैक्टर 12। अगर फैक्टर 12 की डिफिशेंसी हो रहा है दोस्तों तो क्या होगा दोस्तों, हीमोफीलिया ए आपने देख लिया था, हीमोफीलिया बी आपने भी वहाँ समझ लिया, इनके कॉग्निटिव ओवरडोज का कोई दोस्तों रोल नहीं है, इन कॉन्जेनाइटल मॉल फॉर्मेशन दोस्तों जो हमारा डिफिशेंसी 12 फैक्टर्स है ये क्या हमारा रेयर जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होगा प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग जो हमारा ब्लड होता है उसकी प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम हमारा क्या होता है इंक्रीज हो जाता है, तो इसलिए हमारा इसमें कौन सा राइट आंसर हो गया, कॉन्जेनाइटल मॉल फॉर्मेशन ये क्या होता है जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि टेस्टिंग ऑफ ब्लड प्रोडक्ट इज नेसेसरी बिफोर डोनेशन डोनेटिंग ब्लड। दोस्तों अगर आप ब्लड डोनेट अगर किसी करते हैं, अगर आपने किसी का क्या रक्त आदान किया तो पहले जो क्या होता है रक्त उत्पाद जो है उनके टेस्टिंग क्या करना आवश्यक होता है, तो इसमें ऑप्शन में है टू प्रिवेंट ब्लड लॉस, तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे रक्त को ख़राब होने से बचाने के लिए, पहले हम ये नहीं देखेंगे, सबसे पहले नेसेसरी होता है कि टू आइडेंटिफाई द बैक्टीरियल, उसमें हम बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करेंगे और वायरस देखेंगे प्रेजेंट है कि नहीं है, जो हम प्रोडक्ट हम ब्लड डोनेट हम किए हैं जो ब्लड डोनेट हमने वहाँ पर स्टोर करने के लिए हम लिए हैं वहाँ पे प्रोडक्ट को, उसमें हम बैक्टीरियल और वायरस का क्या करेंगे प्रेजेंट आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब चेक करेंगे उसमें बैक्टीरिया हमारा वायरस तो प्रेजेंट तो नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगले क्वेश्चन में है कि ब्लड इज़ द फर्स्ट स्टेज। दोस्तों ये आपको कमेंट करके बताना है कि जब हम ब्लड ले लेते हैं, जैसे हम रक्त की सर्वप्रथम टेस्टिंग की जाती है, जैसे हमने ब्लड सबसे पहले क्या लिया डोनर से हमने ले लिया, या तो हमने डोनर होने से पहले जब स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट में जब हमारे पास डोनर आता है तो उसमें सबसे पहले हम उसका कौन सा टेस्ट करते हैं, इसमें इस ऑप्शन में है फॉर द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया, फॉर द प्रेजेंस ऑफ वायरस, फॉर द प्रेजेंस ऑफ द फंगस, टू चेक ब्लड ग्रुप। तो सबसे पहले हम डोनर जो आता है उसका हम कौन सा क्या ब्लड में हम कौन सा उसका क्या चेक करते हैं, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में यह है कि द प्रेजेंस ऑफ द आरएच फैक्टर इज नोन, मतलब जो आरएच फैक्टर है वो जो हमारा प्रेजेंट होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं, प्रेजेंट ऑफ आरएच फैक्टर्स इज नोन, तो इसमें ऑप्शन में है बाई एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन सी, एंटीजन डी। दोस्तों आरएच जो हमारे फैक्टर होता है उसको हम एंटीजन डी के नाम से जानते हैं, तो राइट आंसर हो क्या हो गया एंटीजन डी, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव बताता है दोस्तों कि हमारा ब्लड ग्रुप जो है पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो आरएच एंटीजन ही डिटेक्ट करता है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मेथड ऑफ द टेस्टिंग ब्लड टू द प्रोटेक्ट अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिजीज। दोस्तों रक्त के जांच के लिए जो हमारे संक्रामक रोग से बचाने के लिए रक्त की टेस्टिंग में कौन कौन से तरीके से किए जाते हैं, जैसे हमारे कोई संक्रामक रोग से किसी पेशेंट को हमें ब्लड डोनेट करना है उसको हमें रोग ना होने पाए उसे बचाने के लिए सबसे पहले कौन कौन से टेस्टिंग करते हैं ब्लड का, हम तो इम्यूनोटेक्निक भी करते हैं, हीमोग्लोबिन टेक्निक, हीमोटेक्निक, इम्यूनोटेक्निक में हमारा जो एलाइजा करते हैं या तो हम जो कार्डबोर्ड लगाते हैं इम्यूनोटेक्निक हो गया वो, हीमोग्लोबिन टेक्निक जो हम ब्लड ग्रुप करते हैं क्रॉस मैच करते हैं वो हो गया, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेक्निक होता है जिससे रैपिड कार्ड हमारे रैपिड टेस्ट होते हैं दोस्तों, न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफिकेशन टेक्निक भी हम करते हैं, इसलिए राइट आंसर हमारा जो हो गया क्यों ऑल ऑप्शन हो गया दोस्तों, तो ऑल ऑप्शन हो गया, हम रोग संक्रामक को बचाने के लिए रक्त की टेस्टिंग में कौन कौन से करते हैं ऑल ऑप्शन करते हैं। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में है कि ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज, इसमें से कौन से ऐसे डिजीज हैं जो कि ब्लड ट्रांसमिट हो जाते हैं, ब्लड से ब्लड के थ्रू ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो ऑप्शन में है इसमें है एड्स, सिफिलिस, हेपेटाइटिस, ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों एड्स जो होता है वो भी हमारा क्या ट्रांसमिट होता है ब्लड के थ्रू, सिफिलिस भी हो जाता है, हेपेटाइटिस भी हो जाता है, इसमें राइट आंसर हमारा क्या हो गया ऑल ऑफ द एबव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या है, अगले क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट ट्रांसमिटेड बाई ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इसमें से कौन सा डिजीज नहीं है जो कि
ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा मतलब ट्रांसफ्यूज नहीं हो पाता है। इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज़ है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज द्वारा नहीं हो पाएगा, तो इसमें आपको बताना है दोस्तों। ऑप्शन में है हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और सिफिलिस और नॉन ऑफ दीज। इसमें पूछा है निम्न में से कौन सा रोग रक्त आधान द्वारा संक्रमित नहीं होता, तो जब हम किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं इसमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो कि संक्रमित नहीं होता, किसी को रोग संक्रमित नहीं करेगा। तो इसमें ऑप्शन में हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस तो करता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, हेपेटाइटिस बी भी, सिफिलिस भी, तो इसमें नॉन ऑफ द एबव। दोस्तों इसमें क्या रहा है, नॉन ऑफ द एबव, इसमें से मतलब क्या है कि उपरोक्त में से कोई नहीं है कि जो ऐसा कि डज ब्लड ट्रांसफ्यूजन में डिजीज ट्रांसमिट ना करे, सब करते हैं, इसलिए नॉन ऑफ द एबव। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में यह है कि द ब्लड इज द लेवल ऑफ द कलेक्शन बैग। दोस्तों जो ब्लड बैंक में जो ब्लड बैग होता है जब उसमें हम ब्लड ले लेते हैं तो उसमें हम जो लेबलिंग करते हैं तो उसमें लेबलिंग क्या करते हैं, क्या कर क्या क्या करना होता है या क्या क्या हम उसमें होता है जो हम लेबलिंग करना होता है। इसमें बारकोड भी है दोस्तों, तो बारकोडिंग भी करते हैं, बोल्ट टेस्ट भी करते हैं दोस्तों। उसमें लिखने के लिए हम क्या करें, बोल्ट करके हम उसमें टेस्ट में लिखते हैं, उसमें टेक्स्ट मतलब लिखने के लिए जो उसमें हम बोल्ट में लिखते हैं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होता है उसे भी हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं, लेबल करते हैं, जिससे हमारा क्या हो, ब्लड बैग जो हमारा है मिसमैच ना हो पाए, जिसका हमने चेक कर लिया कौन सा ब्लड ग्रुप है, कौन सा आईडी नंबर है, सब उसको हम क्या करते हैं, लेबल करते हैं। इसमें राइट आंसर हमारा ऑल ऑफ द एबव, इसमें राइट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव। आई होप दोस्तों आप लोगों को इतना समझ में आ गया, नहीं समझ आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके।